जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, जो SHDD का जो फिजिकल होता है उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, किस प्रकार से फिजिकल की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको किन किन जो बेसिक बातें, अगर आप SHDD की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, साथ में आपके फिजिकल के जो नंबर नहीं होते हैं लेकिन किस प्रकार से फिजिकल होता है, क्या फिट होता है, और किस प्रकार से मतलब रनिंग या इसकी प्रैक्टिस आप करते हो या फिजिकल में जिन जिन चीज़ों की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो उसी पे दोस्त। ठीक है, जो फिजिकल होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले फिजिकल में आपकी होती है रनिंग। जैसे आप ग्राउंड में जाते हो सुबह के टाइम पे, आपकी फिक्स लिमिटेड ही बंदे वहाँ बुलाते हैं, एक या दो बैच बना के आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग कराते हैं। कई जगह ग्राउंड में करवाते हैं, कई जगह ज़्यादातर जगह ऐसी है जहाँ पर लॉन्ग रनिंग कराते हैं। तो अगर आप SHDD की रनिंग करते हो 5 किलोमीटर की तैयारी, तो ध्यान रखना घर पर आप कम से कम 6 किलोमीटर की रनिंग करें। टाइमिंग भले ही ज़्यादा कम आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप घर पर अगर 6 किलोमीटर की रनिंग करोगे तो आपकी वहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी दोस्तों। तो इसलिए वहाँ पर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए आसानी अगर चाहिए तो 5 किलोमीटर रनिंग के टाइम है 24 मिनट, और आप आसानी से 22 या 23 मिनट में कंप्लीट कर दोगे अगर आप घर पर 6 मिनट रनिंग की तैयारी करते हो, 6 किलोमीटर रनिंग की तैयारी करते हो। उसके बाद में आपकी होती है हाइट, वेट और चेस्ट। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हाइट को तो आप बढ़ा नहीं सकते। हाइट में तो ये है कि जैसे आप खड़े होते हो तो एक चीज़ का अगर किसी का 1-2 सेमी का अगर फर्क है, मान लो 1-2 सेमी की वजह से रह रहा है, तो उसको मैं बता दूँ, जब भी आप खड़े होते हो तो पैरों को पूरा टाइट करना, क्योंकि आपको ऊपर से तो टाइट करने नहीं देगा कोई भी इंस्ट्रक्टर, वहाँ कोई भी रहेगा, चाहे मैं रहूँ या कोई भी रहेगा, तो आपको वहाँ से ऊपर से कोई नहीं करने देगा ऐसे, अगर आप ऐसे करोगे गर्दन को नहीं करने देगा। तो आपको करना है कि जो पैरों को है इनको टाइट करना है। आप ये मान लो पैरों को टाइट करके 1 सेंटीमीटर आपकी हाइट अप कर सकते हो। आप कहीं पे भी खड़ा हो ना, एक बार पैरों को पूरा टाइट करना। आप टाइट करोगे तो अपने आप आपकी जो पैर की नसें हैं ऊपर की तरफ होगी और आपको हाइट में 1 सेंटीमीटर का इजाफा होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर की वजह से रहे हो तो आप शरीर को थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश करें। अगर ऊपर से बोल देते हैं लूज करो तो हल्का लूज करें, लेकिन पैरों को टाइट रखें। तो ये आपकी हाइट इस प्रकार से चेक होती है। हाइट में अब ज़्यादा जिनकी है वही कर सकते हैं, जिनकी नहीं है 170, जो ओबीसी जनरल इनकी कैटेगरी के लिए, ST के लिए थोड़ी सी छूट है, तो उनको छोड़ के जो हाइट का जो मेन्यू है, मतलब हाइट का जो फिक्स दिया हुआ रहता है मेन्यू के कार्ड में कि इसकी इतनी फीमेल की इतनी मेल की इतनी, तो वो तो फिक्स ही चाहिए आपको। उसका मैंने वीडियो बना रखा, आप जाके देख सकते हो किसकी कितनी चाहिए, फुल डिटेल का वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हो कि किसकी कितनी हाइट चाहिए। अब बात रहती है कि चेस्ट की। चेस्ट में बहुत सारे लड़के गलती करते हैं चेस्ट फुलाने में। चेस्ट जैसे ही उनका डालते हैं अब वो ऐसे फुलाते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो इससे चेस्ट फुलता नहीं है कभी भी। कोई भी लड़का आप देखना कि जब बोलते हैं उसको चेस्ट फुलाने के लिए, कई बार मैं देख चुका हूँ उनको बोलेंगे तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होता चेस्ट फुलाना। चेस्ट को फुलाने के लिए आपको पेट को अंदर होना चाहिए, ऐसे पूरा सांस भर के ये ऐसे इस प्रकार से चेस्ट फुलना चाहिए आपका। ये 10 सेमी है, आपको 5 फुलाना, आप 10 सेमी आराम से फुला सकते हो। देखो एक बार और बताता हूँ आपको, फिर हाथों को टाइट करना ताकि ये यहाँ पर आपका जो रिबन पकड़ा हुआ रहेगा, जो सेंटीमीटर पकड़ा हुआ रहेगा, वो अंदर ना जाए बॉडी के, इसलिए टाइट करना है फिर हाथों को, ताकि आपका 10 सेमी के आसपास चेस्ट फुला हुआ दिखेगा। तो ये एक तरीका होता है चेस्ट फुलाने का, ऐसे नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, तो हाइट, वेट और चेस्ट होने के बाद में फिर आपके रनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है रनिंग। तो रनिंग की आपको तैयारी करने के लिए मैं बता दिया कि 5 किलोमीटर की जगह आप हमेशा घर पर जब भी तैयारी करें 6 किलोमीटर की करें। लेकिन अभी अगर आप SHDD की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल की बजाय पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।